guys, welcome back to my channel VVS Vlogs. I am Vini Vetsing and I make videos related to beauty, fashion, travel, lifestyle and many more other things. So before this video starts, please do take out a minute and subscribe to my channel. So finally, today I thought that I should sit down and film this video, the most requested one. Yaha aap title dekhe samajh gaye honge ki aaj main apni pregnancy story ke baare mein baat karne wali hu. How I conceived Kride with PCOD aur meri entire pregnancy journey kaisi thi. एंड क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ था पीसीओडी की वजह से, उस सब के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ. तो जब मैंने पीसीओडी वाली वीडियो डाली थी, लाइव हुई थी वो वीडियो, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अच्छा था. उस वीडियो के थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे जुड़े, लोगों ने फोन्स पे बात करी है, लोगों ने मुझसे फेसबुक के थ्रू मैंने इंटरेक्ट किया है, इंस्टा के थ्रू लोगों ने मुझसे बात करी है. बहुत सारे लोग जिन्हें अभी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, जिन्हें पीसीओडी है, बहुत साल हो गए लोगों को ट्राई करते करते और वो लोग होप्स हार चुके हैं, तो ऐसे लोगों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया एंड दे वॉन्टेड टू नो कि मेरा जो ट्रीटमेंट था वो कैसा था. कुछ थोड़े बहुत ऐसे लोग भी थे जिन्हें प्रॉब्लम थी कि भाई मैंने ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जैसे पीरियड्स वगैरह, तो जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो टोटली इस वीडियो को छोड़ सकते हैं. जो पीरियड्स को अभी भी एक टैबू के तरह लेते हैं, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट द इनफर्टिलिटी थिंग, दे कैन स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो राइट हियर. Also, this video will be too long, so you can grab a cup of coffee or tea and then listen to this video or watch this video. क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं वीडियो के कई सारे पार्ट्स बनाऊंगी, कि जैसे जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट था पहले उसके बारे में एक पार्ट अलग बना दूंगी, देन जो प्रेगनेंसी स्टोरी थी उसका अलग एंड जो डिलीवरी स्टोरी थी उसका अलग. सो आई थॉट कि ऐसे मैं तीन वीडियोज अलग बना दूंगी ताकि वो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे. बट देन आई थॉट आई डोंट फील लाइक कि मेरे को अपनी डिलीवरी स्टोरी के बारे में बात करना चाहिए. तो यू नो, ऐसी मैं नेगेटिव वाइब्स नहीं उन लोगों को देना चाहती कि वो डर जाए डिलीवरी से, क्योंकि मैं अपनी डिलीवरी के टाइम ऐसे कुछ लोगों से मिली थी और मैं बहुत डर गई थी डिलीवरी से पहले. सो आई एम नॉट गोइंग टू शूट द डिलीवरी पार्ट, बट मैं एंटायर प्रेगनेंसी जर्नी एंड द ट्रीटमेंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो जब मेरे को पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था तब मैं अपोलो दिल्ली में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और 2014 तक मेरा, जब तक मेरी शादी नहीं हो गई थी, अपोलो दिल्ली में ही मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा और मैं कंटिन्यूअस जो उसकी मेडिसिन होती है ध्यान, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है, वो ले रही थी. सो फाइनली व्हेन आई गॉट मैरिड इन 2014, तो देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम माई फैमिली साइड कि अभी शादी के बाद ये मेडिसिन बंद कर देना, बिकॉज शादी के बाद अपने आप सारे हॉर्मोन्स ठीक हो जाते हैं. शादी होते ही मैंने सिर्फ एक महीना वो मेडिसिन ली थी और मेडिसिन फिर मैंने बंद कर दी थी, जो मैं पिछले 2.5 साल से मेडिसिन ले रही थी. तो उस मेडिसिन को बंद करते ही वापस मेरे जितने भी सिम्टम्स थे वापस वो सब कुछ आने लग गए. मेरा पूरा फेस खराब हो गया था अगेन एंड मेरा जो मंथली साइकिल था वो नहीं आया था. फिर मैं अपोलो दिल्ली से मैक्स दिल्ली गई. आई थॉट कि एक बार मैं हॉस्पिटल भी चेंज कर लेती हूँ, वहाँ से भी एडवाइस मिल जाएगी तो बेटर रहेगा. ऑल्सो मैं 2014 में शादी करने के बाद जिस जगह आ रही थी वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज थी यहीं आ रही थी मैं, पोरबंदर में. यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, सो आई थॉट कि एक बार मैं एक जेन्युइन ओपिनियन जो है एक और अच्छे हॉस्पिटल से ले लेती हूँ. तो मैक्स में मैं गई एंड आई टोल्ड देम कि मेरा मंथली साइकिल नहीं आया है और मेरा ऐसे ऐसे मेरे को पिंपल्स हैं और ये सब चीज़ें हैं एंड माय फैमिली इज सजेस्टिंग मी नॉट टू हैव दोस मेडिसिन, अगर उससे कोई माइल्ड मेडिसिन आप वो मुझे दे दो. सो दैट डॉक्टर आस्क मी कि यू नो व्हेन आर यू प्लानिंग टू हैव किड्स. सो आई टोल्ड हर कि अभी तो जस्ट एक महीना ही हुआ है मेरी शादी को एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. देन शी सजेस्टेड मी अ फ्यू माइल्ड मेडिसिन. उन्होंने मेरे को बोला कि आप यू नो जब आपका जो डेट है जिस दिन आपको मंथली साइकिल आना चाहिए आप उससे 5 दिन पहले ये वाली मेडिसिन लेना, और अगर तब भी आपको जो है मंथली साइकिल नहीं आता है देन यू हैव टू गो बैक टू योर ओल्ड मेडिसिन इफ यू आर नॉट प्लानिंग द दैट थिंग. सो वही हुआ, पूरा 2 महीने हो गए थे मेरे को पीरियड्स नहीं आए थे एंड वो मेडिसिन मैंने ली, सो आई हैव टू गो बैक टू डियान अगेन. देन अगेन अ फ्यू मंथ्स पास्ड अवे. मतलब मेरा ऐसा होता है कि मैं हर 6 to 7 months में एक बार अपना चेकअप करवाती ही करवाती हूँ. इन सितंबर आई वेंट टू अ डॉक्टर इन बॉम्बे एंड वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था एंड आई कैन नॉट नेम इट, और वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर यू कैन से, उनके पास मैं गई एंड अगेन आई शोड माई रिपोर्ट्स. तो उस टाइम जो डॉक्टर ने बोला था वो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए. सो ही टोल्ड मी कि एक फीमेल के बॉडी में 2 टाइप के हार्मोन्स बनते हैं, मैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आपका पूरे महीने एक ही हार्मोन बन रहा है, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप जो है अपना प्रेगनेंसी आप डिले करो. उसके बाद ये था कि मैंने मेडिसिन खानी बंद कर दी थी डियान एंड बट स्टिल वी वर नॉट प्लानिंग किड
बिकॉज अभी शादी को एक साल भी नहीं हुआ था. आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई लोग मुझे बोलते हैं जैसे कि डॉक्टर्स का तो काम होता है डराना, ऐसा कुछ नहीं होता ये वो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. कई बार आपको जेन्युइन ओपिनियंस भी दी जाती हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों को उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. फिर आफ्टर 4-5 months अगेन वी वर गोइंग टू मलेशिया एंड बाली. सो आई थॉट कि एक बार दोबारा चेकअप करा लेते हैं बिकॉज अब शादी को एक साल हो गया है. आई थिंक वी कैन थिंक अबाउट दैट. तो दोबारा मैं चेकअप के लिए गई, अपना पूरा अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, सारे रिपोर्ट्स वगैरह लेके अपनी डॉक्टर के पास गई. और इस टाइम मैं जिस डॉक्टर के बारे में आपके साथ बात कर रही हूँ वो अभी तक मेरे से जुड़े हुए हैं, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी. अब मैं केरला में थी जब मैं इस डॉक्टर को मिली. सो फाइनली मैं दिल्ली में भी देखी, मैंने मैक्स एंड अपोलो, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स. अगेन बॉम्बे वाले हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं बता सकती, बट अगेन ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, HOD थे वहाँ के. एंड देन अगेन केरला में मैं वहाँ हमारी पोस्टिंग हो गई थी, तो वहाँ पे इस डॉक्टर को मिली, फीमेल डॉक्टर को, जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ. सो फाइनली आई शोड माई रिपोर्ट्स टू हर एंड आई आस्क यू नो कि वॉट इज द स्टेटस ऑफ माई हेल्थ नाउ. सो फ्रेंकली शी टोल्ड मी दैट यू नो द हेल्थ इज नॉट दैट गुड एंड यू नीड टू थिंक अबाउट दिस क्वाइट अर्ली. सो फाइनली आई आस्क कि ये ट्रीटमेंट के बिना हो जाएगा? जैसे कहते हैं कि यू नो 6 months और 1 साल आपको नेचुरली ट्राई करना चाहिए एंड उसके बाद यू शुड गो फॉर ट्रीटमेंट. सो शी टोल्ड मी कि यू नो विदाउट ट्रीटमेंट यू कैन नॉट कंसीव. आई वॉज नॉट ओवुलेटिंग एट ऑल, मतलब मेरा एक भी एग नहीं बन रहा था एंड द लाइनिंग ऑफ माई यूट्रस वॉज वेरी वेरी थिन, 2.7 के आसपास वो लाइनिंग थी जो कि 7-8 होनी चाहिए एक बेबी को होल्ड करने के लिए. जो मेरा हार्मोन था वो मुझे पहले ही डॉक्टर ने बोला था कि एक ही हार्मोन बन रहा है पूरे मंथ मेरा. सो शी टोल्ड मी कि बिना ट्रीटमेंट के आपकी ये बेबी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कोई मिरेकल हो जाए. सो आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर एंड शी कंसोल्ड मी एंड शी टोल्ड मी यू नो अभी आप जाओ घूमने के लिए एंड वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स होंगी, घूम रहे हो और खुश होते हो आप, तो क्या पता मिरेकल हो जाए. So finally I got some hopes and we started trying for baby after an year of my marriage. So again before going I picked up some conception kits. जैसे pregnancy kits होती है ऐसे ही conception kits भी होती है. तो उसमें आपको पता चल जाता है कि what are your fertile days. तो it becomes a little easy for people to you know figure out कि कब आपको baby के लिए try करना चाहिए या whatever. एंड अगेन आई पिक्ड अप 2 kits ऑफ दैट. एक किट में 5 strips आती है क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कि जो एक्चुअल टाइम है वो क्या है. जैसे कि किसी का प्रेगनेंसी के 10 दिन बाद वो टाइम शुरू होता है, जैसे दैट 11 to 15 days जो होते हैं वो वाले, किसी का कुछ होता है. जब उन लोगों को कैलकुलेट करना ईजी रहता है जिनके मंथली साइकिल रेगुलेट रहते हैं, बट मेरा मंथली साइकिल जैसे रेगुलेट नहीं रहता था, मेरा 2 महीने के आसपास कुछ ऐसा साइकिल रहता था. इसलिए मैंने पूरे 2 kits लिए थे, मतलब मुझे 10 strips मिल गई थी सो दैट आई कैन टेस्ट 10 days. And not a single day, एक भी दिन मेरा वो पॉजिटिव नहीं आया था. अगेन जैसे डॉक्टर ने हमें बताया था नेचुरली यू नो जो टिप्स दिए थे वी वर फॉलोइंग दैट एंड वी केम बैक इन फेब्रुअरी एंड फाइनली अप्रैल की डेट हमें मिली वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए. एंड अनफॉर्चुनेटली 1 अप्रैल को जब मेरे को डॉक्टर के पास जाना था तो जो मेरी प्रीवियस डॉक्टर थी जिसको मेरा केस पता था वो वहाँ से मूव होके कहीं और चले गए थे और नाउ मैं किसी और डॉक्टर को दिखा रही थी. अभी 1 अप्रैल 2016 आई एम टॉकिंग अबाउट. और अगेन मतलब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है आपके पीरियड्स के 2nd day से. तो उस 2nd day पे मैं गई डॉक्टर के पास एंड अल्ट्रासाउंड होने मेरे शुरू हुए. TVS अल्ट्रासाउंड जिसे इंटरनल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं वो होने स्टार्ट हुए. मतलब मैंने इतने सारे TVS अल्ट्रासाउंड कराए हैं, यू नो इनिशियली मैं बहुत डरती थी एंड देन आदत सी पड़ गई थी उस अल्ट्रासाउंड को कराने की. सो आई गेस जो 2nd day पे चेक किया जाता है वो ये चेक किया जाता है कि आपने कितने एग्स आपके बने हैं ओवरीज में और उसी के हिसाब से फिर आपको क्लोमफीन एक मेडिसिन होती है जो कि दी जाती है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ मेडिसिन डू नॉट टेक इट विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन. दीज मेडिसिन आर वेरी 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 सीरियस. So finally I was put on that medicine and the dose was the minimum. सबसे पहले जो है वो कम डोज से शुरू किया जाता है पीरियड्स के 2nd day से. मुझे अगले पाँच दिनों तक वो मेडिसिन लेनी थी कॉन्टिन्यूस. 7th day को जो है मेरे को डॉक्टर के पास जाना होता था वो अगेन अल्ट्रासाउंड के लिए कि वो मतलब कितने एग्स बने हैं एंड एग्स का जो साइज है वो भी सही होना चाहिए आपके मतलब जो फर्टाइल विंडो होती है तब तक. तो जो एग्स का साइज होता था वो भी काफ़ी कम होता था तो उसके लिए मेडिसिन खाने की अलग दी जाती थी एंड जो इंजेक्शन है वो अलग लगते थे. और अगेन जो एंडोमेट्रिकल थिकनेस जो मेरी थी वो काफ़ी थिन थी, उसके लिए जो मेडिसिन चल रही थी उसको थिक करने के लिए वो अलग चल रही थी. सो आफ्टर दैट मेरे को 12th day पे बुलाया जाता था. उस दिन फिर एक अलग इंजेक्शन लगता है सो दैट एग कैन हैच
और डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि यू नो वो नेक्स्ट 3 डेज जो है यू नो आपको कब आपको बेबी प्लान करना है कि वो सब चीज़ आपको डॉक्टर्स बताते हैं. एंड देन उसके बाद एक मेडिसिन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेरा नहीं बन रहा था, फिर उन नेक्स्ट 15 डेज के लिए मुझे उस हार्मोन पे डाल दिया गया ताकि अगर कंसीव होता है तो जो है बेबी वो सेव रहे. सो फाइनली ऐसे करते करते पूरा एक मंथ का ये ट्रीटमेंट होता है एंड जो इसका रिजल्ट है वो ऑब्वियसली सबसे एंड में पता चलता है. सो दैट फेज इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर चल रहे होते हैं और जो मेडिसिन होती हैं उसका जो असर आपके फिजिकल इतने उस पर नहीं होता जितना आपके मेंटली दिमाग पे उसका असर होता है. एंड बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं. एंड दैट टाइम आई वॉज क्वाइट अलोन और ऑब्वियसली हस्बैंड को जॉब पे जाना होता था एंड देयर वॉज नो वन फ्रॉम फैमिली एट दैट टाइम. हर दिन हर सेकंड हर मिनट आप उसी बारे में सोचते हो कि जो रिजल्ट 30th डे पे या 31st डे पे आने वाला है वो आपके फेवर में है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है. इतनी इंपेशेंट हूँ, मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था कि मैं 15 दिन वेट करती. मैं 25th या 24th डे से ही रेडी हो गई यू नो डॉक्टर के पास जाना कि अभी हो गया होगा तो आप अल्ट्रासाउंड करके पता करो हुआ है या नहीं. तो हर दिन मतलब 2 दिन डॉक्टर कंटिन्यूअस मेरे को वापस भेज देते थे घर पे कि इतना जल्दी अभी पता नहीं चल सकता. एक बार तो उन्होंने यू नो गुस्से में आके ऐसे 5 स्ट्रिप्स ही मेरे को हाथ दे दी कि ये लेके जाओ और हर दिन चेक करो और यहाँ पे बार बार मत आया करो. व्हेन आई गॉट टू नो कि वो नेगेटिव है तो मैं बिल्कुल टूट गई थी. मुझे बहुत डर लग रहा था कि अभी ये मतलब कंसीव होगा या नहीं होगा या ये ट्रीटमेंट और कितना चलने वाला है मुझे नहीं पता था. और मैं अगेन मैं जैसे सब लोग अभी बोलते हैं कि होप्स छोड़ देते हैं, मैं सारी होप्स छोड़ चुकी थी कि शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे को पहले ही इस बारे में सोच लेना चाहिए था. एंड होल डे होल नाइट आई वॉज क्राइंग क्राइंग क्राइंग. आई विल ऑल्सो शेयर अ इंसिडेंट जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं कितने हद तक डिप्रेस थी. एंड आई एम शेयरिंग माई थिंग्स इसलिए क्योंकि राइट नाउ आई नो सम पीपल हु आर गोइंग अगेन इन डिप्रेशन एंड दे हैव लूज देयर होप्स. सो उस टाइम पे थैंकफुली मेरे पास 2 डॉग्स थे तो थोड़ा बहुत मेंटल सपोर्ट उनसे भी मिलता था बिकॉज टू स्पेंड सम टाइम विद देम, दे वर पप्स. सो व्हेन आई गॉट टू नो कि जो मेरा रिजल्ट है वो नेगेटिव है, आई वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ दीप टेलिंग देम कि अब तो शायद इनको हम बच्चे बोलते थे और अभी इन्हीं को ही बच्चा पूरी जिंदगी हमें बच्चे बोलना पड़ेगा. एंड जो नाम 2 नाम हमने सोचे थे कि ये रखेंगे आई थिंक इन लोगों का नाम चेंज करके हमें इन दोनों का नाम जो है जो हमने बच्चों का नाम सोचा था वो रख देना चाहिए क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि अभी हमें लाइफ में ये बेबी होने वाला है. आई लॉस्ट all the positivity and I was literally going to depression that time. बहुत सारे negative चीज़ें भी आ रही थी उस time पे and that हमें नहीं पता था कि भाई इस लड़की की बॉडी इतनी वीक है एंड हमारे को तो कभी ये सब दिक्कत नहीं हुई, हमें तो पता ही नहीं चले हमारे बच्चे कब हो गए. इट्स बेटर कि आप ऐसी चीज़ें ना बोलो क्योंकि सामने वाला बंदा ऑलरेडी इतनी चीज़ों से जा रहा होता है, ऊपर से आपके नेगेटिव कमेंट्स से वो और भी ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है. तो ऐसे में आपको कमेंट नहीं करना चाहिए. अगर आप मेंटली सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आपको ऐसी चीज़ें बोल के उनको सामने वाले इंसान को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए. थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ हस्बैंड लाइक दीप. ही वॉज वेरी सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे वो. मेंटली उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया है. कमिंग बैक टू ट्रीटमेंट, आई वॉज सजेस्टेड कि अब अप्रैल के बाद हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो 2 या 3 महीने बाद करेंगे क्योंकि मतलब जो वो मेडिसिन होती हैं जो मेरे को अप्रैल में दी गई थी, इंजेक्शन लगे थे या मेडिसिन जो भी दी गई थी, उसका जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी अपने आप ही यू नो वो चीज़ें करना शुरू हो जाती है, एग्स बनाना एंड एवरीथिंग. सो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो हम कुछ मंथ के गैप में करेंगे. सो फाइनली 1st of July को मैं गई एंड अगेन जो लास्ट मेरी डॉक्टर थी वो चेंज हो के एक और एक मेल डॉक्टर आ गए थे एंड ही लिटरली इज द बेस्ट डॉक्टर और मतलब लोग उनको भगवान भी बोलते हैं. एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड कि वो उस टाइम पे आ गए थे एंड फाइनली मेरा ट्रीटमेंट जो है उनसे शुरू हुआ एंड ही वॉज वन ऑफ द पॉजिटिव डॉक्टर आई हैव एवर मेट. फाइनली सेम ट्रीटमेंट जो मेरे अप्रैल में हुआ था वो इस जुलाई वाले मंथ में होना स्टार्ट हुआ और जो मेरी जो क्लोमोफिन की डोज जो पिछले महीने कम थी वो थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई. When I talk about a male doctor, I really want to share an incident कि मेरे को इतना अजीब लगता था उनके पास जाना you know क्योंकि TVS अल्ट्रासाउंड के बिना कुछ भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था. फाइनली मेरी वो जो पुराने सबसे पहले वाले जिस डॉक्टर के बारे में मैंने बात करी थी वो आ गए थे वहाँ पे. तो फाइनली जब भी वो अल्ट्रासाउंड कराना होता था तो मैं उनको बुला लेते थे और ये दोनों डॉक्टर्स मिल के जो है फाइनली मेरा ट्रीटमेंट देख रहे थे अभी इस टाइम. अगेन वो पूरा ट्रीटमेंट जैसे लास्ट अप्रैल में चला था वो चल रहा था. 2nd डे पे बुलाया गया, 7th डे पे बुलाया गया, 9th डे पे बुलाया गया, 12th डे पे बुलाया गया एंड
तो सेकंड ट्रीटमेंट में जो नाइन्थ डे था उसमें जो मेरे को बुलाया गया था उसमें मेरी फीमेल डॉक्टर ने मेरे को एक टिप दी थी जो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी. तो मेरा जो एंडोमेट्रिकल थिकनेस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो बहुत ही पतला होता था, उसको मोटा करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती थी बट वो इंजेक्शन लगते थे बट उसके बाद भी वो इतनी थिक नहीं हो पा रही थी. तो इसलिए मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने एक नेचुरल चीज़ भी मेरे को बोला था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये था कि शी एडवाइस मी टू हैव अजवाइन एट दैट टाइम, मतलब नाइन्थ डे जब ये एग्स बड़ा उसका साइज बढ़ रहा होता है और एंडोमेट्रियल थिकनेस जो यूट्रस लाइनिंग है वो मोटी करनी होती है, उस टाइम पे उन्होंने मेरे को अजवाइन लेने के लिए बोला था. सो आफ्टर माई मील आई यूज टू हैव टू पिंच ऑफ अजवाइन एंड मैं पानी के साथ ऐसे स्वेलो कर लेती थी. उस नेक्स्ट मेरे को आना था वो मेरे को फिर 12th डे पे आना था. फिर मैं 12th डे पे आई एंड आफ्टर दैट माई डॉक्टर एडवाइस्ड दीप टू लीव मी एट होम और उन्होंने मेरे को बोला कि उसके बाद आपको ट्रेवल नहीं करना है. ये चीज़ मुझे लास्ट, ये छोटी छोटी डिटेल्स मुझे लास्ट जो ट्रीटमेंट होता है उसमें नहीं बताया गया था. सो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जैसे अगर बाय चांस 13th या 14th डे पे आपको कंसीव हो गया है तो जो नेक्स्ट 15 डेज होते हैं वो काफ़ी क्रुशियल होते हैं वो पूरा इम्प्लांटेशन और उस प्रोसेस के लिए. आप ये सोच लो कि एक बबल की तरह होता है, उस बबल को ध्यान से रखने के लिए जो है आपको एडवाइस किया जाता है कि शुरू के 3 months है वो ज़्यादा ध्यान रखना है. आफ्टर 3 months जो है फिर वो थोड़ा सा बबल जो है सेटल डाउन होके वो फीटस से एक बेबी का रूप ले लेता है, इसलिए शुरू के 3 months जो है वो बोला जाता है कि आपको बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना है, आपको ध्यान से सब चीज़ें करनी है. तो उन्होंने स्पेशली दीप को बोला कि अब जो है 12th डे के बाद अब पूरा मंथ इसको बोलो कि ये बेड रेस्ट पे रहे, बिल्कुल भी इसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है और अपना ध्यान रखना है. एंड शी कॉल्ड दीप आफ्टर अ डे और कुछ टेस्ट वगैरह हमारे हुए थे उसके रिजल्ट्स के लिए. तो उस रिजल्ट से फाइनली जब दीप ने पूछा डॉक्टर से कि अब इस मंथ कितना परसेंट चांस है कंसीव होने की, तो जो रिजल्ट्स आए थे वो तब भी बहुत अच्छे नहीं थे एंड शी टोल्ड अस कि इस मंथ भी 30% चांस है. शी गेव अ काइंड ऑफ हिंट कि जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होगा उसमें हम IUI करने वाले हैं. अभी मैं IUI के बारे में आपको बताती हूँ. तो जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट था वो अगेन 2 से 3 महीने बाद होता और उसमें जो है वो IUI प्लान होता. अब IUI में क्या होता है कि पूरा प्रोसेस सेम ही रहता है, ये शुरू से शुरू होगा, सेकेंड डे से शुरू होगा, 7th day, 9th day, 12th day, फिर जो 14th day पे जो नेचुरली बोला जाता है कि आपको बेबी ट्राई करना है उस तब जो है मेल स्पर्म जो होता है उसको डायरेक्टली यूट्रस में एक ट्यूब के थ्रू या पता नहीं किसी छोटे से प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली यूट्रस में डाला जाता है ताकि जो कंसीव होने के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाए. तो दिस इज IUI और जो IVF है उसमें होता है कि दोनों जो एग्स और स्पर्म होता है उन दोनों को ही बाहर निकाल के लेबोरेटरी में कंसीव किया जाता है एंड देन अगेन उसको यूट्रस में डाला जाता है. तो ये पूरा ऐसे प्रोसेस होता है. तो दिस एवरीथिंग कम्स इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट. सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि एक तो इस मंथ 30% चांसेस है और नेक्स्ट टाइम जो है वो ये IUI वाला ट्रीटमेंट किया जाएगा, आई यूज़ टू गेट सो स्ट्रेस्ड और सारा दिन एक अलग सा ही टेंशन होता था और मैं काइंड ऑफ मान के बैठ गई थी कि इस मंथ शायद कुछ नहीं होने वाला है और अगेन मुझे पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट कराने पड़ेंगे. तो क्योंकि मैं इस मंथ होप्स ही खो बैठी थी तो मैं बिल्कुल भी चेक नहीं कर रही थी 20th डे से या 25th डे से. मैं मान के बैठी थी कि जब लास्ट मंथ ही नहीं हुआ तो इस मंथ भी नहीं होने वाला है. तो जब मेरा नेक्स्ट साइकिल वाला डेट आया, जैसे 1st जुलाई मेरी लास्ट डेट थी जिस दिन ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, तो 1st अगस्त को मेरे को चेक करना चाहिए था बट मैं चेक ही नहीं कर रही थी. एंड मैं एक फ्रेंड के घर डिनर करने के लिए गई हुई थी तो वहाँ पे मेरी जो फेवरेट डिश थी राजमा चावल, मैं राजमा चावल खा रही थी. तो एक दो स्पून मैंने खाए एंड आई फेल्ट लिटिल बिट अजीब सा थोड़ा सा, मतलब उसमें आई टोल्ड माई फ्रेंड ऑल्सो यार तूने हींग ज़्यादा डाली है इसमें या क्या, मुझे उससे काफ़ी उसमें स्मेल आने लगी राजमा में. आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट दैट मील. एंड जब हम वापस घर जा रहे थे तब हमारे घर पे डॉग्स होते थे और मैं अपने डॉग्स को, उस दिन संडे था तो हम संडे को अपने डॉग्स को चिकन देते थे. तो मैं चिकन नहीं खाती हूँ और क्योंकि हम डॉग्स को काफ़ी टाइम से दे रहे थे तो मैं चिकन की स्मेल से भी नॉर्मल हो गई थी. बट दैट डे व्हेन दीप कैट चिकन इन अ कार तो आई वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट दैट स्मेल एंड आई आस्क दीप की विंडो खोल दो, मेरे से चिकन की स्मेल आज सहन नहीं हो रही है. तो ये एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि उस नाइट तो मैं आराम से सो ली बट नेक्स्ट डे इन आफ्टरनून जब दीप लंच टाइम पे घर पे आते थे और दीप नीचे डॉग्स को घुमाने के लिए गए हुए थे एंड आई थॉट कि यार एक लास्ट ट्रिप घर पे बची है, इस मंथ ट्राई कर लेती हूँ. वैसे तो मुझे पता ही है नेगेटिव है बट स्टिल मैं ट्राई कर लेती हूँ. और मैंने वो चेक किया तो थैंकफुली उसमें जो सेकेंड लाइन थी वो काफ़ी फेडेड थी एंड सो आई जस्ट बर्स्टेड इन टीयर्स. एंड मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस मंथ ऐसा हो सकता था. एंड ऑब्वियसली वो फेडेड लाइन थी तो हम लोग थोड़ा सा डाउट में ही थे कि अभी भी ये सच है या नहीं. एंड आई टोल्ड दीप आप दूसरी लेके आओ, मैं फिर से एक बार चेक करती हूँ. एंड दैट टाइम अगेन इट केम पॉजिटिव.
तो फिर मैंने अपनी जो मेरी फीमेल डॉक्टर इस टाइम जो थी उनको कॉल किया और बताया कि इस अभी मेरा जो मैंने दो स्ट्रिप्स चेक करी है उसमें पॉजिटिव आ गया, बार बार आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी। तो उन्होंने मेरे को अगेन सेम चीज़ बोली कि ज़्यादा आप अपना ध्यान रखना और बिल्कुल भी ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल मत करो, एंड आई एम टेलिंग यू वन मेडिसिन, वो मेडिसिन लेते रहो और आज से दो हफ्ते बाद आप मेरे पास आना, 6th या 7th week के आसपास आना, तब हम बेबी की हार्ट बीट चेक करेंगे। देन आई स्टार्टेड टेकिंग दोज मेडिसिंस और मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग गई, फ्रूट्स खाती थी, अनार जो है वो बहुत हेल्दी होता है, प्लीज़ अनार खाया करिए, और मैं वो लेती थी और बहुत सारा खाना शुरू कर दिया मैंने कि शुरू से ही। आई स्टिल रिमेंबर वंस माई हस्बैंड आस्क्ड कि यार तेरे को देख के कहीं से भी लगता ही नहीं कि मतलब ऐसा प्रेगनेंट जैसा, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा अभी भी, क्योंकि तब तक मुझे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं आया था, नौशिया या समथिंग लाइक दैट। देन अगेन 2 weeks पास्ट, वैसे मेरे को डॉक्टर ने 7th week पे बुलाया था क्योंकि 7th week तक थोड़ा प्रोमिनेंट हार्ट बीट आती है बेबी की, बट बिल्कुल भी हमें पेशेंस नहीं था, सो वी वेंट इन 6th week एंड पहले जाके तो स्ट्रिप पे चेक किया हमने 3rd time कि ये चीज़ पॉजिटिव है या नहीं है। फिर स्ट्रिप पे चेक करने के बाद हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो हाँ अल्ट्रासाउंड में फिर फाइनली हार्ट बीट डिटेक्ट हुई और फाइनली वो प्रेगनेंसी जो है वो भी कंफर्म हुई। इसलिए जो लोग होप्स खो बैठे हैं वो होप्स मत खोना, आई नो मेरा बहुत जल्दी ट्रीटमेंट में पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया था, बहुत लोगों को इतना पॉजिटिव रिस्पांस जल्दी नहीं मिलता, बट स्टिल अपने होप्स बिल्कुल भी मत खोइए। एंड एक्चुअली में जब आप होप्स खोने लगते हो तभी भगवान आपको एकदम से सरप्राइज कर देता है, सो प्लीज़ डोंट लूज योर होप्स एंड बी पॉजिटिव। आई नो ये बोलना बहुत आसान है, उस टाइम पे जो आपके ऊपर बीतती होती है उसको बयां करना बहुत मुश्किल है।